हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने हॉनर की डिवाइस के किसी भी ऐप में लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग के पास है हॉनर की डिवाइस और आप लोग चाहते हैं अपने हॉनर की डिवाइस में व्हाट्सअप में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लॉक लगाना, ताकि आप लोग का फ़ोन कोई भी अपने हाथ में ले और वो आप लोग के एप्लीकेशन को ओपन करे तो उसमें लॉक जो है लग के आ जाए और एप्लीकेशन को वो ओपन ना कर पाए। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं अपने हॉनर की डिवाइस में किसी भी ऐप में लॉक लगाना, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने हॉनर की डिवाइस में किसी भी ऐप में लॉक कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि आप लोग अपने हॉनर की डिवाइस में किसी भी ऐप में लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग अपने हॉनर की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ पे ऐप में लॉक लगाने के लिए देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी हॉनर की एप्लीकेशन में लॉक लगाने के लिए कोई भी सेटिंग नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जब आप लोग को इसमें सेटिंग नहीं मिल रही है तो आप लोग किसी भी ऐप में लॉक कैसे लगा सकते हैं, चलिए बता देते हैं। आप लोग को जाना होगा प्ले स्टोर पर और सर्च बार में टाइप करना होगा ऐप लॉक। ऐप लॉक टाइप करके आप लोग सर्च कर दीजिए, देख सकते हैं बहुत सारे ऐप लॉक आ जाएंगे। तो इसमें से आप लोग ये वाला जो ऐप लॉक है वो आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग है 50 लाख है, यहाँ पे देख सकते हैं तो 10 करोड़ डाउनलोडिंग है यहाँ पे। तो काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है और काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखा है। तो आप लोग भी इसी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये एप्लीकेशन अगर आप लोग को प्ले स्टोर पर नहीं मिल पा रही है तो इस एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं आप लोग को दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप लोग वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन आप लोग की जो यहाँ पे 13 MB की रहती है, तो आप लोग की एप्लीकेशन जो है जितना फास्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतने ही फास्टली आप लोग की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद एप्लीकेशन को आप लोग करेंगे यहाँ पे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आप लोग इसको जो है पैटर्न सेट कीजिए और इसके बाद कंफर्म पैटर्न सेट कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है वर्ड योर लकी नंबर, तो आप लोग यहाँ पे अपना कोई लकी नंबर डाल दीजिए जो आपको हमेशा याद रहे और ताकि आप लोग पासवर्ड को रिकवर कर पाएँ। डन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं एप्लीकेशन में लॉक लग के आ चुका है यहाँ पे। ये जो आप लोग देख रहे हैं क्रोम कॉन्टैक्ट ईमेल, ये जो टिक लगा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है इस एप्लीकेशन में लॉक लग चुका है, ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगाना 2-3 एप्लीकेशन में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गूगल पे वूगल ये जो लगे हुए हैं मैंने हटा देता हूँ, ठीक है, सबको हटा देता हूँ मैं इनको। अब मैं अपने हिसाब से लगाना चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप में लगाना चाहता हूँ, यूट्यूब में लगाना चाहता हूँ और मैं इंस्टाग्राम में लगाना चाहता हूँ, तो इनमें लॉक लग चुका है, ठीक है। अब ये मैं वन टैप लॉक पर क्लिक करूँगा, इसकी जो परमिशन है वो देनी होगी, परमिशन दे दीजिए, आई गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आ चुकी हैं, तो इनको आप लोग यहाँ पर परमिशन दे दीजिए। ऐप लॉक को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसकी जो मैंने परमिशन यहाँ पे दे दी, सेकंड भी परमिशन आप लोग को यहाँ पे देनी होगी और थर्ड भी आप लोग परमिशन यहाँ पे देनी होगी, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ परमिशन है वो भी आप लोग को देनी होगी, अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग को कर देना होगा इसको कट, और कट करने के बाद कट कीजिए। अब आप लोग का सेटअप हो चुका है, अब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे व्हाट्सअप। जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, मैं व्हाट्सअप ओपन करूँगा तो यहाँ पर व्हाट्सअप में लॉक लग के आ जाएगा। YouTube को ओपन करूँगा तो YouTube में लॉक लग के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जिस एप्लीकेशन में लॉक लगाया है हॉनर की में, उसमें सब में लॉक लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग हॉनर की किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग हॉनर की डिवाइस में किसी भी ऐप में लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को हॉनर की किसी भी डिवाइस में मतलब एप्लीकेशन में लॉक लगाने में कोई भी दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूँगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।